वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड की नाइट क्लास है और आज की क्लास में हम करेंगे क्लोज टेस्ट, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी सारी की सारी जगहों पे, ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल वगैरह पे। तो अभी बगैर टाइम जो है वेस्ट किए हुए, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, बोलिए तो सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि एक बार हमें रफली पढ़ लेना चाहिए कि क्लोज टेस्ट किस विषय में है, जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि हम किस तरह से इसे अप्रोच करेंगे, कि ये इजी है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर किस तरीके का है। तो एक बार पैसेज पढ़ने से ये हमें पता चलता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे इसको। आवर नेशनल लीडर्स आर स्टिल ट्रैप्ड इन द स्लोगन्स एंड क्लिचेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे ही आपने पहला जो है सेंटेंस पढ़ा, वैसे ही आपको ये पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं नेशनल लीडर की, हम बात कर रहे हैं स्लोगन्स की, हम बात कर रहे हैं क्लिचेस की, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल की। इट मीन्स है कि फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर कोई बात की जा रही है। डे इन एंड डे आउट दे एक्सटोल द ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म एंड सर्विस टू द मदरलैंड एंड ऑन द ग्रेट सेक्रीफाइजेज मेड बाई आवर लीडर इन द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है यहाँ तक कि फ्रीडम वगैरह को लेके स्पीच दी गई है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक पैरा दिया गया हुआ है। तो आगे नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो इसको सॉल्व करना, लेकिन एक बार हमको पढ़ लेना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लगा रहता है कि आगे का पोर्शन पे क्या आने वाला है। मर्सीफुली वी स्टिल हैव ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एमंग अस हुज नंबर कीप्स इंक्रीजिंग डिस्पाइट द कंट्री हैविंग वॉन फ्रीडम हाफ ए सेंचुरी बैक। पॉलिटिशियंस आज टू बी डाउन टू अर्थ पीपुल विद देयर फिंगर्स ऑन द ऑफ द मासेस, दे शुड हैव एन अनकैनी नैक ऑफ द नेबुलस डिजायर एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल। इन अदर वर्ड्स दे हैव टू बी इन ट्यून विद द टाइम्स, बट वाट शॉर्ट ऑफ रिपीटेड अपील्स टू पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइसेज मेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्राइक इन हियर्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन। इट ग्रीव अप वेन द कंट्री हैड ऑलरेडी वॉन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रीडम स्ट्रगल हैड इन टू हिस्ट्री सिंस इट हैज ग्रोन अप इन ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म आर नाइस वर्ड्स दैट डू नॉट क्वाइट इंस्पायर इट। देखो ये आपका फ्रीडम को लेके एक स्पीच वगैरह को लेके पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है 146, जिसको हमको फिल करना है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आवर नेशनल लीडर्स आर स्टिल ट्रैप्ड इन द स्लोगन्स क्लिचेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। पहला जो सेंटेंस है कुछ हिंदी में इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे नेशनल लीडर है वो आज भी स्लोगन और क्लिचेज में, जो फ्रीडम स्ट्रगल के स्लोगन और क्लिचेज है, फंसे हुए हैं, ट्रैप हैं। डे इन एंड डे आउट इस ये फ्रेज है आपका, इसका मतलब होता है दिन रात। दे एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, बोलना, चिल्लाना, बघारना, कुछ भी कह सकते हो इसको, द ऑफ नेशनलिज्म। अब आपको 146 फिल करना है और आपके पास ऑप्शन है स्टैंडर्ड्स, टारगेट्स, गोल्स और आइडियल्स। गोल्स का मतलब आप लोग जानते हो कि लक्ष्य होता है, टारगेट भी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना उस तरीके से। आइडियल्स का मतलब होता है एक तरीके से कि सोच किसी की। तो यहाँ पे देखिए, डे इन डे आउट दे एक्सटोल द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, जो नेशनलिज्म है एक आइडिया है, पेट्रियाटिज्म एक आइडिया है, एंड सर्विस टू द मदरलैंड, माँ की सेवा करनी चाहिए, मदरलैंड की सेवा करनी चाहिए, ये भी एक जो है आइडियल में आता है कि हम कहते नहीं कि ये करना चाहिए, तो सोच के अंदर आता है। तो आइडियल्स उसी सोच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 146 में सी पार्ट आएगा, आइडियल्स ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म एंड सर्विस टू द मदरलैंड। एंड इसके बाद दिया हुआ है एंड इनलार्ज ऑन, ड्वेल ऑन या फिर इंसिस्ट ऑन या एक्सपेसिएट ऑन। यहाँ पे आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो आपका इनलार्ज ऑन है इसका क्या मतलब होता है, ड्वेल ऑन का मतलब क्या होता है। देखो जो इनलार्ज ऑन होता है, इनलार्ज के साथ ऑन भी इस्तेमाल करते हैं, अपॉन भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है एक तरीके से बात को बढ़ाना चढ़ाना, ठीक है। इंसिस्ट जो होता है, इंसिस्ट जो ऑन आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, इंसिस्ट करना। ड्वेल ऑन, ड्वेल का किस चीज के लिए आता है, ड्वेल एक तरीके से ड्वेल ऑन का मतलब होता है व्याख्या करने के सेंस में। और जो एक्सपेसिएट है इसके साथ भी ऑन आता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से जो है आप क्या कर रहे हो कि विस्तार में किसी का वर्णन कर रहे हो। तो जब भी होता है, जब भाषण वगैरह देते हैं तो आदमी बहुत विस्तार से जो है बोल रहा होता है, तो जब विस्तार से बोलता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सपेसिएट ऑन। तो यहाँ पे मदरलैंड एट एक्सपेसिएट ऑन द ग्रेट सेक्रीफाइसेस मेड बाई आवर लीडर्स इन द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे आइडियाज की बात करते हैं और जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया उसको एक्सपेसिएट करते हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बात को पूरे कायदे से डिटेल में जो है बताते हैं, बोले तो भाषण देते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा। फिर है मर्सीफुली वी स्टिल हैव,
मेजॉरिटी ग्रुप्स ट्राइब्स होर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एमंग अस। अब समझिए कि मर्सीफुली बात यह कही जा रही कि हमारे बीच अभी भी हैं क्या मेजॉरिटी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की, नहीं है। ग्रुप्स है, नहीं है। होर्ड्स है, नहीं है। ट्राइब्स मतलब जनजाति होता है, लेकिन यहाँ जो ट्राइब्स का सेंस आएगा वो होता है एक प्रकार से समझिए, या फिर ट्राइब यहाँ पे है एक प्रकार के लोग, जैसे जनजाति होती है तो एक प्रकार के लोग ही होते हैं, तो जो ट्राइब है ना यहाँ पे एक प्रकार के लोग के सेंस में आएगा, और यहाँ पे फिल होगा जो है ट्राइब्स। तो हैव ट्राइब्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, क्योंकि मेजोरिटी ले नहीं सकते क्योंकि मेजोरिटी है नहीं। होर्ड्स भी नहीं ले सकते, पूरा का पूरा झुंड होता है। ग्रुप्स भी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो फ्रीडम जो फाइटर्स हैं वो हमारे पास बहुत कम है, एक प्रकार के हैं, कुछ लोग रह गए हैं। हुज नंबर कीप्स इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपके पास वर्ड है स्टीडली, जनरली, नॉर्मली, पीरियडिकली। स्टीडली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। जनरली का मतलब जानते हो आप लोग, नॉर्मली का मतलब भी जानते हो, पीरियडिकली का मतलब भी जानते हो कि पीरियडिक रूप से। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है स्टीडली, की तेजी से बढ़ रहे हैं। डिस्पाइट द कंट्री हैविंग वॉन फ्रीडम हाफ ए सेंचुरी बैक, जबकि क्या है कि जो हमारी कंट्री है वो आधी सेंचुरी पहले जो है फ्रीडम पा चुकी है, फिर भी जो है इस तरीके के जो कहने हैं ना कि फ्रीडम फाइटर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे टोन कसा गया है। फिर यहाँ पे देखिए, ये पॉलिटिशियन के विषय में बात की जा रही है, वो जो बात करते हैं ना कि देश में ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो एक टोन है। टोन की वजह से यहाँ पे स्टीडली का इस्तेमाल किया गया है कि कीप्स इंक्रीजिंग, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इस तरीके का भाषण देते हैं उनकी बात की जा रही है। पॉलिटिशियंस आर, अब यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड, सपोज्ड, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड टू बी डाउन टू अर्थ। तो हम क्या करते हैं, ये माना जाता है कि एक्सपेक्ट करते हैं हम कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हो वो डाउन टू अर्थ हो, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा, सपोज्ड नहीं होगा। विद दियर फिंगर्स ऑन द पल्स फ्रीज होता है, कहते हैं कि जो उनका हाथ हो उनके नब्ज पे हो, जो ऑफ द मासेस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो पॉलिटिशियंस हो वो बहुत डाउन टू अर्थ होने चाहिए, और उनके जो फिंगर हो वो मासेस के पल्स पे होना चाहिए, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। दे शुड हैव एन अनकैनी नैक ऑफ लीडिंग, यहाँ पे पल्स था, लीडिंग, रिप्रेजेंटिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छी तरीके से व्याख्या करना, या अच्छा वक्ता भी बोलते हैं। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है जो अच्छा बात करा। दे शुड हैव एन अनकैनी नैक ऑफ आर्टिकुलेटिंग द न्यूबलेस्ट डिजायर एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल। कुल मिला जो कि यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि उनके पास मतलब इतनी तेज होनी चाहिए कि वो जो अभी जो मासेज है, जो पीपुल है, उनके जो नेबुलस डिजायर है या उनकी जो उम्मीदें हैं उसका वो जो रिप्रेजेंटेशन कर पाए सही से। फिर है, इन अदर वर्ड्स, दे हैव टू बी कलेक्टिवली होली इन ट्यून विथ टाइम्स। तो यहाँ पे देखो, कलेक्टिवली का मतलब है कलेक्शन के साथ में, इनइविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। जो होली वर्ड है ये यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि होली का मतलब होता है पूरी तरीके से, कि वो पूरी तरीके से ट्यून करते हों, जो है मैच करते हों टाइम के साथ। तो यहाँ पे होली वर्ड इस्तेमाल होगा, यहाँ पे बी पार्ट सही होगा। फिर इसके आगे है, बट वाट सॉर्ट ऑफ ट्यून, रिदम, कॉर्ड एंड म्यूजिक, रिपीटेड अपील्स टू पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइसेज मेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस तरीके का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। म्यूजिक था, रिपीटेड अपील्स था, बार बार लोगों को अपील की जाती थी पैट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की और सेक्रीफाइसेज की, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। जो स्ट्राइक करता था इन द हर्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, जब इंडिया जो है क्या कहते हैं कि जब फ्रीडम नहीं मिला था तब। तो यहाँ पे म्यूजिक है जो ये इस्तेमाल होगा, रिदम, ट्यून और कॉर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। इट ग्रीव अप वेन द कंट्री हैड ऑलरेडी वॉन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रीडम स्ट्रगल हैड, यहाँ पे रिटायर्ड है, रिसीडेड है, रिटर्न्ड है, रिट्रीटेड है। देखो, रिसीड और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, रिटर्न का मतलब होता है वापस जाना, ये तीन एक सेंस में है। रिटायर्ड का मतलब होना है जैसे ना कि कोई सर्विस से रिटायर्ड हो जाए, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इट ग्रो अप वेन द कंट्री हैड ऑलरेडी वॉन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रीडम स्ट्रगल हैड रिटायर्ड इन टू द हिस्ट्री, मतलब वो रिटायर हो चुकी है, अब है नहीं, वो हिस्ट्री में चली गई है। देन उसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया है, तो आपका यहाँ पे ए पार्ट जाएगा। अब आप लोग देखिए कि इस वाले जो है क्लोज टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट की तरफ। ये क्लोज टेस्ट हमारा आप सेकेंड है। इट वॉज वेरी हॉट इन द स्मॉल कोर्ट रूम एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग स्लीपी। आफ्टर ए टायरिंग मॉर्निंग द क्लर्क्स वर एनेक्सियस टू गेट टू लंच एंड इवन द जज मस्ट हैव फेल्ट वेन द लास्ट केस केम अप बिफोर द कोर्ट। ए शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड स्मॉल ब्लू आईज वॉज नाउ स्टैंडिंग हिम।
यहाँ तक पढ़ के आपको एक बात ये समझ में आ गया होगा कि कोर्ट में कोई बातचीत चल रही है, उसी को लेके ये क्लोज टेस्ट है. द मैन हैड ए फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड ही केप्ट लुकिंग स्टूपिडली एज इफ ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू वॉट वॉज गोइंग. द मैन वॉज एक्यूज ऑफ इन टू ए हाउस एंड स्टीलिंग ए चीप वॉच. द विटनेस हु वॉज कॉल्ड डिड नॉट गिव ए क्लियर ऑफ वॉट हैड हैपेंड. ही क्लेम्ड टू हैव सीन ए मैन आउटसाइड द हाउस वन नाइट, बट ऑन बींग फर्दर ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज नॉट श्योर वेदर दिस वॉज द मैन. द जज कंसिडर्ड द मैटर फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन डिक्लेयर दैट एज देयर वॉज नो रियल प्रूफ द मैन कुड नॉट बी गिल्टी. अब यहाँ से समझ में आ गया कि कोर्ट में देखो किसी की पेशी हुई है, उसी के विषय में बातचीत चल रही है, उसी के विषय में थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा है कैसा नहीं है बंदा. अब हमें क्या करना है, फिल करना है सारे के सारे ऑप्शंस. तो चलिए एक एक करके करते हैं. इट वॉज ए वेरी हॉट इन द स्मॉल कोर्ट रूम एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग स्लीपी. अब पहले सेंटेंस का मतलब यह है कि जो है कोर्ट रूम जो है बहुत स्मॉल था और उसमें सभी लोग जो है क्या कर रहे थे, स्लीपी फील कर रहे थे क्योंकि वो हॉट भी बहुत ज़्यादा था. अब आगे है, आफ्टर ए टायरिंग मॉर्निंग ए क्लर्क वर द क्लर्क्स वर सॉरी ए क्लर्क नहीं है द क्लर्क्स वर एनेक्सियस टू गेट गेट टू लंच. अब यहाँ पे देखो आपको प्रीपोजिशन फिल करना है ऑन ऑफ अबाउट और अवे. यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए कि क्या यूज करना है. तो गेट ऑफ टू लंच का मतलब है कि टायरिंग मॉर्निंग के बाद अब वो लंच की तरफ जाना चाहते थे. फिर यहाँ पे भरा जाएगा ऑफ टू लंच एंड इवन द जज मस्ट हैव फेल्ट. अब आगे है टायर्ड एनॉयड एग्जॉस्टेड रिलीव्ड. अब आगे यहाँ से तो डाउट हो जाएगा कि यार इसमें से चार के चारों लग रहे हैं कि टायर्ड भी जज महसूस कर रहा होगा, एनॉयड भी हो सकता है, एग्जॉस्टेड भी हो सकता है, बट ये जो डी पार्ट है इस पे बिल्कुल से ही दिमाग जाएगा नहीं. वेन द लास्ट केस केम अप बिफोर द कोर्ट, जैसे ये पार्ट पढ़ोगे वेन द लास्ट केस केम अप बिफोर द कोर्ट, जैसे बहुत सारा केस चल रहा होता है तो वो टायर्ड महसूस करता है, एग्जॉस्टेड महसूस करता है, एनॉयड महसूस करता है, लेकिन लास्ट केस आया है इसका मतलब है अब वो क्या कर रहा होगा, रिलीफ महसूस कर रहा होगा. अब उसे लग रहा होगा कि हाँ अब चलो ठीक है ये केस खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो डी जाएगा, ना ए ना सी ना डी बी जाएगा, क्या जाएगा, रिलीव्ड होगा. ठीक है. ए शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड स्मॉल ब्लू आइज वॉज नाउ स्टैंडिंग हिम. अब आपको लेना यहाँ पे कि बिफोर होगा, विथ होगा, बिहाइंड होगा, अगेंस्ट होगा. देखो यार दिमाग जो जाएगा वो जाएगा कि यहाँ पे हम लेंगे बिफोर बिफोर हिम, कि जज के सामने खड़ा था. यहाँ पे जो होगा वो होगा विथ. बिफोर का इस्तेमाल करते हैं हम पहले के सेंस में, अगर इन फ्रंट होता तो इन फ्रंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता कि नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कि जज के सामने अब वो खड़ा था. लेकिन नाउ स्टैंडिंग विथ हम सारे बुक ने लिया है और एसएससी ने भी विथ ही लिया था, और बिफोर का भी इस्तेमाल करते हैं सामने के सेंस में, और मुझे ये नहीं पता है कि बुक्स वगैरह ने या फिर एसएससी ने इसको विथ क्यों लिया है. तो ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पे विथ लिया गया है. फिर आगे है द मैन हैड फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड ही केप्ट लुकिंग स्टूपिडली. अब लुकिंग देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन अराउंड अप एलोंग और एट. तो यहाँ पे जो होगा लुकिंग अराउंड होगा. लुकिंग अराउंड का मतलब होता है कि चारों तरफ देख रहा था. ही केप्ट लुकिंग अराउंड स्टूपिडली एज इफ ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू इमेजिन अंडरस्टैंड व्यू और सी. तो ट्राइंग हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो चारों तरफ जो है पागलों की तरह देख रहा था और कोशिश कर रहा था समझने की. हार्ड टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन. गोइंग ऑन लगता है ये तो फ्रेज आपको याद रखना चाहिए. वॉट वॉज गोइंग ऑन का मतलब होता है कि क्या चल रहा है. तो यहाँ पे 61 में तो सीधा सीधा मिल जाएगा ए पार्ट. फिर इसके आगे है द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ इन टू ए हाउस. देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है गोइंग मूविंग इंटरिंग और ब्रेकिंग. जो इंटरिंग है इसके साथ इंटू नहीं लगता है, इंटर इंटू नहीं लगता है. इंटर इंटू तब लगता है जब किसी एग्रीमेंट में जा रहे हो तब, वैसे जनरल सेंस में इंटर के साथ इंटू नहीं लगता है, लेकिन ब्रेक इंटू लगता है. ब्रेक इंटू का मतलब होता है किसी के घर में चोरी के लिए घुसना. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ब्रेकिंग इंटू ए हाउस एंड स्टीलिंग ए चीप वॉच. द विटनेस हु वॉज कॉल्ड डिड नॉट गिव ए क्लियर क्लियर ऑफ वॉट हैड हैपेंड. अब यहाँ पे क्या है कि विटनेस जो बुलाया गया था उसने क्लियर नहीं दिया. यहाँ पे क्या नहीं दिया होगा कि उस सही सही क्या घटा है उसके विषय में वो विवरण नहीं दे पाया होगा. तो जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, न्याय. एक तरीके से कि आप घोषित कर दो कि हाँ फलाना आदमी जो है क्राइम किया ही किया है.
तो भाई अब जो विटनेस है वो सिर्फ विवरण देगा, ये थोड़ा बोल देगा कि नहीं, अपना जो है फैसला नहीं सुना देगा। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा। तो यहाँ पे अकाउंट होगा, अकाउंट का मतलब होता है विवरण, क्लियर अकाउंट का मतलब होता है कि सही सही विवरण देना। तो आपका जो 163 का होगा वो होगा क्लियर अकाउंट। फिर इसके आगे है ही क्लेम्ड टू हैव सीन ए मैन आउटसाइड द हाउस वन नाइट, उसने क्लेम किया कि उसने जो है इस बंदे को जो है रात्रि में जो है किसी रात्रि में हाउस के बाहर देखा था। बट ऑन बीइंग इसके बाद आपके पास है फोर्स्ड पुल्ड थ्रेटन्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है कि और आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बीइंग क्वेश्चंस फर्दर ही कन्फेस दैट ही वॉज नॉट श्योर वेदर दिस वॉज द मैन, वो फिर उसने बताया कि नहीं भाई, उसने कन्फेस किया कि वो पक्का नहीं कि ये वही आदमी था। द जज कंसिडर द मैटर, जज ने मैटर को कंसिडर किया फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन डिक्लेयर दैट एज देयर वॉज नो रियल प्रूफ द मैन कुड नॉट बी गिल्टी। देखो एक होता है फाउंड गिल्टी, ठीक है, चार्ज गिल्टी और कॉल्ड गिल्टी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या यूज होगा, फाउंड गिल्टी और चार्ज गिल्टी। देखो चार्ज के साथ तो विथ आता है, चार्ज विथ गिल्टी होता है, तो चार्ज विथ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आया आपका फाउंड गिल्टी और कॉल्ड गिल्टी। तो फाउंड फाइंड फाउंड फाउंड होता है, तो फाइंड मतलब एक तरीके से पाना होता है, और यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो कॉल्ड, क्योंकि सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि द जज कंसिडर द मैटर फॉर ए शॉर्ट टाइम, जज ने थोड़ी देर के लिए मैटर को समझा एंड देन डिक्लेयर दैट, और उसने डिक्लेयर किया कि एज देयर वॉज नो प्रूफ, जैसा कि कोई प्रूफ नहीं है, द मैन कुड नॉट बी कॉल्ड गिल्टी, कि आदमी को जो है गिल्टी नहीं कहा जा सकता। फाउंड गिल्टी एक अलग सेंस में आता है, फाउंड इस्तेमाल होता है गिल्टी के साथ, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है उस हिसाब से कॉल्ड गिल्टी आएगा कि आदमी को जो है गलत नहीं ठहराया जा सकता, गलत कॉल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 165 का वो डी होगा, वो ए नहीं होगा। तो जो कन्फ्यूजन वाले इसमें क्वेश्चन थे वो 165 रहा है, जिसमें डाउट हो सकता है 158 रहा है, और अगर आपको जो है फ्रेजल वर्ब की नॉलेज है तो 156 आराम से कर सकते हो। 157 में भी जो है ये जो ऑप्शन था इसमें आप डाउट हो सकते हो, जबकि लास्ट वाला पार्ट आप ना पढ़ लो कि लास्ट केस था, और इसके अलावा इसमें डाउट नहीं होगा, और इसमें भी डाउट नहीं होगा, इसमें भी डाउट नहीं होगा, अगर सिर्फ आपको एक बात ये पता हो कि इंटर के साथ इंटू जनरल सेंस में नहीं लेते हैं तो, और बाकी सारे के सारे जो है ऑप्शन ईजी थे। तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला था, तो अगर ये 2-3 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाओ तो 10 आउट ऑफ 10 करना आसान था। तो मैंने 2 पैसेज अभी डिस्कस किए हैं, और थर्ड जो पैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।